First step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Master Plus Education, and make your all JE and E exams in India dreams come true. Download the app now. the first step towards achieving your dreams is having the right coach get the best education with master plus education and make your all jee and e exams in india dreams come true download the app now first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Master Plus Education and make your all JE and E exams in India. Dreams come true. Download the app now. First step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Master Plus Education and make your all JE and E exams in India. Dreams come true. Download the app now. हेलो हेलो सेक्शन में बता दें डाटा मॉडिबल विजिबल शुरू करते हैं वो डिस्चार्ज लैम्प के बारे में पढ़ने वाले हैं जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे द तो सोडियम वेपर लैम्प एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे मर्क्यूरी ठीक है और ये दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है और सेकंड uh, चीज आपको यह भी समझना है कि डिस्चार्ज लैम्प से या लैम्प के कोई भी क्वेश्चन से आपके चाहे किसी भी एग्जामिनेशन से आप बिलोंग करते हो चाहे महाजनको क्यों हो चाहे पीजी से ये छोटे मोटे क्वेश्चन है कई बार पूछे जाते हैं है ना तो चलिए शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ एक बार जितने भी बच्चे कमेंट सेक्शन पे आ चुके हैं तो पूरी एनर्जी भैया रखिएगा है ना गुड इवनिंग आकाश गुड इवनिंग शाह गुड इवनिंग पवन गुड इवनिंग निश्चय चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक बार सभी बच्चों को आने दीजिए और नोट कॉपी और पेन उठा लीजिए बढ़िया बढ़िया को, आपको कंसेप्ट आज सीखने को मिलेंगे और देखिए टॉपिक है इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसलिए भी आ, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि यदि मान लीजिए कि आपके यूटिलाइजेशन जो भी क्वेश्चन है तो मोस्टली जैसे वेल्डिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट करा दिया मैंने हीटिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया लैम्स से ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं वो भी मैं करा रहा हूँ बस एक लेक्चर और बचेगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा और ये जो जितना भी पोर्शन अभी तक मैंने कराया है वो अप्रोक्सिमेटली सिक्सटी परसेंट पोर्सन को कवर करता है तो आप सोचिए कि यूटिलाइजेशन का सिक्सटी परसेंट पोर्शन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया और आप क्वेश्चन सोल्व करके तो देखिए आपको चाहे जेबी गुप्ता में हो चाहे आर के राजपूत में हो यार किसी भी है कोई भी बुक उठा लो आपको क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बन जाएंगे इस यूट्यूब के सेशन से ही बन जाएंगे ठीक है बाकी आप लोग हमारे जो पेड कोर्सेज हैं जो फर्स्ट मार्च को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा बहुत हम लोग बहुत ही मेहनत से लेके आ रहे हैं हमारे बहुत ही दिल के करीब वाला कोर्स होने वाला है और पूरी जी जान हम लोग झोंकने वाले हैं हम दो लोग हैं और भी बहुत सारी फैकल्टीज हमसे जुड़ने वाली हैं अपकमिंग सेशंस में आपको पता चलेंगे ठीक है तो बिल्कुल रेडी रहिए बहुत सारी चीजें होने वाली है सिक्स का प्राइस है मतलब लगभग सात का जो प्राइस है वो नहीं होने वाला है एक जनरल ऑफलाइन कोचिंग में जहां तक हमने सर्वे किया ना ठीक है तो चाहे पंजाबी स्टेट से बिलोंग करते हो चाहे एमपी स्टेट से लगभग सात हजार की ऑफलाइन में इवन ऑनलाइन सात हजार मिनिमम बोल रहा हूँ बहुत ही यदि रद्दी कंटेंट पढ़ा रहा है ना सात हजार तो सबकी ऑफलाइन की कोचिंग की फीस है ठीक है और मैक्सिमम बीस बाईस हजार तक जाती है आपकी तो आप समझिए कि यह कितनी प्रिपरेशन में फीस लगती है बट उसको हम लोग इतनी अफोर्डेबल प्राइस में कर देंगे कि जो आप लोगों की रीच में होगा जिसको भी बच्चे को जरूरत लगे ना वो करिए वरना यूट्यूब के हमारे सेशन तो चली रहे हैं हम आपके लिए जी जान लगा रहे हैं बस आप लोगों को आके रेडी रहना नेक्स्ट है, है बच्चों अभ्यास है। अभ्यास बैच बैच है में तो बहुत अच्छे खासे बच्चों का एनरोलमेंट देखने को मिला उतना हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था बट अच्छी बात है एंड इतना बच्चों का प्यार मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे चैनल विजिट भी कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग और भी अच्छा करेंगे आप लोगों के साथ है कि नहीं गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक है शुरू किया जाए चलिए तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं पहले ये बताइए तो बिल्कुल एक बार है ना पूरी एनर्जी के साथ शुरू किया जाए रेडी होगी बिल्कुल आलस आलस जैसा दिख रहा है मुझे है। लाइक और शेयर कर देना सेशन को और हम शुरू करते हैं और बाकी बच्चों में भी है ना बता दीजिए यूटिलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सेशन से आप लोगों के बोलने पे हमने शुरू किए थे और आज आज भी कंटिन्यू है ठीक है बंद फिर भी हमने नहीं किया ठीक है बस हैं कि आप लोग साथ रहे ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो व्हाट इज एक्चुअली द डिस्चार्ज लैम्प ठीक है डिस्चार्ज है ना

इन सब में या यूपी स्टेट से और कोई रिलेटेड एग्जाम हो गया जैसे यूपी आरब्यूनल आज कल एस एमपी सब इंजीनियर में भी पूछा गया था लास्ट टाइम और में भी पूछा गया था राजस्थान स्टेट का लास्ट ईयर पेपर हुआ था इन सभी एग्जामिनेशन में सिंबल और डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो कुल मिला के कहने की बात है बेटा पढ़ना जरूरी है बिना पढ़े काम नहीं बनेगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर लोके सर क्लास स्टार्ट नहीं होगा क्या देखो यार लोकेश सर को लिटरली है ना बहुत हताश हो चुके हैं और आ, इसलिए रीजन ये है कि ठीक है कि आप लोगों को कहने पहने बहुत सारी चीजें कंटिन्यू चली मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल तो मुझे लग रहा है कि कोई ना बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पूरे इंडिया के टॉप थ्री इंस्टीट्यूट मान लीजिए जो भी है उस इंस्टीट्यूट में जो कंटेंट मिलता है ना वो कंटेंट लोके यहां पे पे है लोकेश सर यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड किया बट बच्चों की इस टाइम से बहुत कुछ फर्क पड़ता है तो वो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा बट ठीक है आज आप लोग कहोगे तो मैं उनसे जरूर बात करूंगा इस बारे में हम लोगों को भी बहुत दिन से ज्यादा बात नहीं हो पाई है ठीक है वो भी अपने काम में बिजी मैं भी अपने काम में थोड़े बिजी रह गए ठीक है तो आज हम लोग टाइम निकालते हैं डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा उनको मनाने की आप लोग भी मैसेज वगैरह कर देना यार अच्छा लगेगा ठीक है क्योंकि तो एक टीचर को यही बस चाहिए होता है और क्या है कि नहीं चलिए शुरू करते हैं मेरे बच्चों तो यहाँ पे डिस्चार्ज लैम के बारे में बोला गया है चलो ऐसा करें इसको थोड़ा सा है सीना फाड़ के इसका डायग्राम देखते हैं देखो इतना बढ़िया डायग्राम है सर आप तो डायग्राम वायग्राम बिल्कुल खतरनाक लेके आते हैं चलिए पे पे दो दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड है। ठीक ठीक है है देखने को ठीक है। एक है, दूसरी को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी चीजें और बता देता हूं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसी का थोड़ा कंटिन्यूएशन करते हैं थोड़ा मजा आएगा जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनकेडेसेंस इनकेडसेंट इन कैडेसेंट स्पेलिंग में मत जाना भाई मैंने माफ कर दो मुझे स्पेलिंग में गड़बड़ी हो सकती है ठीक है इसकी गारंटी नहीं है ये अपनी स्वेच्छा पे है कभी नहीं स्टार्ट करेंगे क्या सर नहीं स्टार्ट करेंगे अब मैं बोल दूंगा उनको ठीक है मैं बोलने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं बट आप लोग से एटलीस्ट साथ रहिए यार अच्छा लगता है एक टीचर के लिए वही है रिकॉर्डेड डालना होता है रिकॉर्डेड पता नहीं हमारे पास कितने पड़े इतने सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए हमने रिकॉर्डेड वर्जन दिया है क्या करोगे उसका मजा आएगा जब तक फैकल्टी से इंटरेक्ट नहीं करोगे है ना इसीलिए लाइफ पे है बच्चों का रहना बहुत जरूरी है ठीक है

पहली मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि भैया जी उसकी जो एफिशिएंसी है बहुत ही कमजोर है मतलब एफिशिएंसी जो है बहुत कमजोर है बहुत लो है दूसरी हमको एक चीज देखने को मिली कि यार मोस्टली हमको व्हाइट टाइप की लाइट है ना इस टाइप की लाइट ही मोस्टली देखने को मिलती है कलर्ड वे में हमको थोड़ा देखने को कम मिलता है इन कैंडीशन में मिलता ही नहीं आप ऐसा कह सकते हो पर डिस्चार्ज लैंप में हम लोग क्या कर सकते हैं क्लोरीन यूज किया तो अलग कलर मिल जाएगा ठीक है मर्क्यूरी यूज किया तो अलग कलर मिल जाएगा ठीक है एलोजन सॉरी मर्कूरी यूज किया तो सोडियम यूज किया तो अलग कलर में जाएगा तो जिस टाइप का आप लोग मटेरियल यूज करोगे ना उस टाइप का मटेरियल से ना आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे डिपेंड करेगा कौन सी गैसेस का आप लोग वहां पे कॉम्बिनेशन बनाने वाले तो पहली चीज यहां पर यह मिली पहली मेजर प्रॉब्लम ये है कि भैया लो एफिशिएंसी सबको दिमाग में घुस गया दूसरी मेजर मेजर कंडीशन ये देखने को मिली या मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिली कलर्ड लाइट की प्रॉब्लम या बिल्कुल चमचमाती हुई दुनिया यार आज के जमाने में कहा ब्लैक एंड व्हाइट में जी रहे हो कलर्ड कलर्ड होना चाहिए ना भाई एडवर्टीजमेंट में हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते ठीक है? है तो कलर्ड लाइट की जो प्रॉब्लम थी वो यहां पे सॉल्व हो गई ठीक है गईवर्टीज वगैरह में बहुत जरूरत पड़ती है यार है ना और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कलर लाइट की जरूरत पड़ती है तो अब कहीं ना कहीं ये दो मेजर प्रॉब्लम थी इन कौन से लैंप में इनकटेसेंट लैंप में अब क्या पढ़ा रहे हो अब तो बेवकूफ आदमी तुमको दिख नहीं रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो

अब भैया डिस्चार्ज लैंप हो गया यहां पे तो इन कैडेसेंट लैंप में ये जो प्रॉब्लम थी ना वो हमने डिस्चार्ज लैंप में दूर कर दी इन कैडेसेंट लैंप में जो प्रॉब्लम थी वो डिस्चार्ज लैंप में हमने दूर कर दी ठीक है वो कैसे दूर करी देखिए चलिए चलते हैं तो यहां पे ये दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड लिए बट इसके अंदर ये जो ग्लास का ये दिख रहा है ये ग्लास का ये मैं येलो कलर से दिखा देता हूं चलो ये देखो यहां पे ये ग्लास का हमने क्लोजिंग कर दी इस ग्लास की क्लोजिंग के अंदर इलेक्ट्रोड है दो टाइप के इलेक्ट्रोड है और उसमें क्या भरी हमने गैस भर दी हमने क्या भर दी गैस भर दी सर गैस भरने से फायदा क्या होगा क्योंकि भर तो हम लोग कुछ और भी सकते थे है ना पर हमने गैस ही क्यों भरी गैस जो होते हैं दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ठीक है बट कुछ एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद है ना कुछ है पर्टिकुलर वोल्टेज एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक तो क्या रहेंगे पोअर कंडक्टर रहेंगे बट एक है ना हम वोल्टेज धीरे 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 बढ़ाते गए ठीक है धीरे धीरे हम लोगों ने क्या कर दिया वोल्टेज बढ़ाते गए एक वोल्टेज ऐसा आता है जिसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते बढ़ाते गए एक वोल्टेज ऐसे आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इग्निशिया वोल्टेज बोलते हैं क्या बोलते हैं अब ये कई लोगों को नहीं पता होगा पर इग्निशिया वोल्टेज बोलते वोल्टेज करने के लिए सर सर ठीक है बेटा गुस्से में है अरे नहीं भैया गुस्से में नहीं तुम खुद देखो ना क्वेश्चन कैसा था भाई का क्या पढ़ा रहे हो अच्छा लगेगा किसी को अब तुम कुछ मान लो पढ़ाई कर रहे हो किताब खोल के रखे हो तुमको पूछे क्या कर रहे हो बुरा नहीं लगेगा ऐसा दिख नहीं रहा किताब खोल के रखे झक मार रहे हैं भैया ऐसे लोगों का ऐसे जवाब देना पड़ता है आप भी रेडी रहिए ऐसे लोग बहुत मिलते हैं ठीक है चलिए तो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होता है

इनके बीच में क्या हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट से यहां पे डिस्चार्ज है ना मतलब डिस्चार्जिंग प्रोसेस दी जाती है एंड विच इज हैपनिंग थ्रू द गैसेस इसीलिए बोला जाता है डिस्चार्जेस थ्रू द गैसेस एंड जब भी वो डिस्चार्जेस इतनी हीट डेवलप हुई कि गैसेस जो है वो बीच में आयोनाइज हो जाती है जो आयोनाइज गैसेज हो जाती है वो आपस में टकराने की कोशिश करती है ऐसा समझो मैंने मॉल में जाके ऐसे बोल दिया भैया यहाँ पे मॉल में बम रखा हुआ है सब भगदड़ मच जाएगी ना सब एक दूसरे को आने बत, आने कोई भीड़ रहा है कोई यहाँ पे भीड़ रहा है वैसी वाली कंडीशन है ऐसा समझो समझेगी नहीं समझे मैंने बोल दिया भैया बो है भैया यहाँ पे बम है ठीक है तो सब भागने लगेंगे भाई इधर उधर कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है तो वैसे ही होता है कि जहां पे ज्यादा हीट डेवलप हो गई ना इन दोनों के बीच में तो उसके कारण आपका यहां पे डिस्चार्जिंग ऑपरेशन देखने को मिलता है थ्रू द आयोनाइज कैसेस और उस डिस्चार्जिंग ऑपरेशन से यहां पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वेश्चन भैया बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स देखने को मिलेंगी सर ये जो गैसेस हम लोग भरते हैं वो गैसेस कौन सी होती है चलिए देख लेते हैं वॉट आर द डिफरेंट गैसेज विच आर पॉसिबल हियर सर मोस्टली आप लोग आर्गन भरते हो या फिर आप लोग सोडियम भरते हो ठीक है या फिर आप लोग मर्क्यूरी भर सकते हो मर्क्यूरी ठीक है इस तरीके से भर सकते तो ये कुछ है नॉर्मली है ना कॉमन यूज वाली है भैया कॉमनली है ना ये वाले देखने को मिलती है भाई तो यहां पे डिस्चार्ज ऑपरेशन कैसे हो रहा है बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो गई बहुत ज्यादा पोटेंशियल डेवलप हो गया उसके कारण जो बीच वाली जो गैस है वो आयोनाइज हो जाती है और आयोनाइज जो पार्टिकल्स हैं वो दौड़ने की कोशिश करते हैं जब बहुत तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं उस समय पर एक दूसरे से टकराते हैं जब टकराते हैं तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है कोई इसको धक्का मारा कोई इसको धक्का मारा और इस प्रोसेस में है कही ना कहीं ना कहीं आपको लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलता है आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्लियर है चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखो बच्चों मैंने ना ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के रखा है द द कंसिस्ट ऑफ वन गैस ट्यूब एंड द गैस एट लो प्रेशर इज में हम लोग जो गैस का जो प्रेशर लेते हैं वो लो रखते हैं लो प्रेशर रखते हैं ठीक है so सो दैट ज्यादा से ज्यादा हमारी आयोनाइजेशन पॉसिबल हो पाए इज इट ओके नेक्स्ट द गैस ट्यूब्स आर फिल्ड विद द नोबल गैसेस नोबल गैसेस में आपका आर्गन आ सकता है न्योन आ सकता है क्रिप्टन आ सकता है फिर उसमें कुछ ग्लोब्यूल्स ग्लोब्यूल्स मतलब जैसे पानी का छुटकारा होता है ना तो वो हम लोग छुटकारा मार देते हैं सोडियम का हो गया मर्क्यूरी का हो गया क्लोरीन का हो गया वैसे कर दिया जाता है ठीक है जैसे यहां पे लिखा है सोडियम मर्क्यूरी अमल ठीक है तो उसको हम लो लोग ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते, है? सकते हैं ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं ठीक है बेटा यहां तक क्लियर तो कहने का मतलब यह है कि लो प्रेशर पे आप गैसेस को रखते हो गैसेस कौन सी है नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस गैसेस हैं में पहला है आरगन, दूसरा है नियोन, तीसरा है आर्गन दूसरा तीसरा क्रिप्टन बहुत सारे होते हैं मतलब याद हो जाएंगे आपको टेंशन मत लीजिए ठीक है यह अभी बेसिक्स है मैं एक एक करके प्रोसेस भी लिख दूंगा यहां तक सबको ये इस स्लाइड में ये इस पर्टिकुलर इस स्लाइड में किसी को दिक्कत है या नहीं है जल्दी से बता दो फिर हम लोग आगे चलते हैं ज्यादा देर का सेशन नहीं होगा कम सेशन में बहुत सारी जानकारी ये मेरा मोटिवे मोटो रहता है हमेशा यही मोटो रहता है कि कम कम चीज में आपको बहुत सारी जानकारी ठीक है इसीलिए बातचीत कम काम ज्यादा सीधी सी बात है चलिए भाई ग्लोब्यूल्स <laughs> बढ़िया लग रहा है नाम <laughs> मैं तो अपने लोंडे का नाम ग्लोब्यूल्स ही रखूंगा देखना <laughs> चलिए भाई यहां तक हो गया चलिए अब यहां से देखते हैं ये देखिए दो क्या है भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोड है देख लीजिए वापस देख लीजिए

आयनाइज पार्टिकल्स हैं मूव करने की कोशिश करते हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक की जाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे पार्टिकल ऐसे भी मिलेंगे जो आयनाइज नहीं है तो उनके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे इनका कोलिजन हो जाएगा कोलिजन के बाद में और हीट डेवलप होगी और वो जो प्रोसेस होती है ना वो कंटिन्यू रहती जाती है वो जो प्रोसेस है वो फिर कंटिन्यू हो जाती है तो कुल मिला के हमें बस इतना करना है कि ये वाला जो नोड है लेटस है नोड बी एंड ये वाला नोड है नोड ए इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल को मेंटेन रखना है बस इतनी सी चीज मुझे ध्यान रखनी ठीक है कहने का मतलब है जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका आयनाइज्ड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे आयनाइज्ड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे सीधी सी बात है और वो कैसे मूव करते हैं दे मूव्स फ्रॉम मूव्स फ्रॉम वन एंड अदर, एक एंड से दूसरे एंड इलेक्ट्रोड पे जाने की कोशिश करेंगे ठीक है? है है सर अभ्यास बैच में यूटिलाइजेशन भाई, भाई। जो बोला है वो तो करवाना ही ना पावर सिस्टम नाइस सेशन थैंक यू थैंक यू सो मच यार थैंक यू सो मच चलिए भाई तो लाइटनिंग डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास का बना होता है या फिर आप लोग लो यूज करते हैं पर इन जनरल हम लोग ग्लास का रखते हैं कॉर्स का कहां पे यूज करते हैं मर्कुरी वाले में तो वो सब मैं बताऊंगा ठीक है देयर बाय द ठीक है फिर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के कारण डिस्चार्ज होती है डिस्चार्जिंग के कारण आप लोगों को कंटिन्यूस जो हीट है वो मेंटेन रहती है और उसी से आप लोगों को लाइट देखने को मिलती है ठीक है वो पार्टिकल्स है ना बहुत तेजी के साथ मूव करते हैं और जब वो मूव करते हैं ना उसी से ही आपको लाइट एनर्जी देखने को मिलती है इट इज ओके एंड मेड टू ग्लो एंड विच इज द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप बोलते हैं अभी मैं एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा जैसे मान लीजिए कि न्यून डिस्चार्ज फील्ड है तो उसमें ऑरेंज रेड कलर की आपको लाइट देखने को मिलेगी सोडियम वेपर टाइप की यदि लाइट है तो उस मतलब यदि आप उसका यूज कर रहे हो तो ऑरेंज येलो लाइट देखने को मिलेगी मर्की वेपर लैंप है तो उसमें आपको हमेशा ब्लूइश लाइट आपको देखने को मिलेगी ठीक है बाकी वो कैसे होगा आंसर क्या आप लोगों को एग्जाम में सही करना है वो भी बहुत अहम रखता है ठीक है तो हमको यहां से दो चीजें समझ में आई जस्ट मैं ब्रीफ कर देता हूं पहला पहला कि भैया दो इलेक्ट्रोड है दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई पोटेंशियल को मेंटेन किया और उन दोनों पोटेंशियल को मेंटेन करके हाई पोटेंशियल मेंटेन किया तो बीच में जो गैस है वो गैस क्या हो गई हो गई जैसे वो आयोनाइज हो गई आयोनाइजेशन के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है आयोनाइज जो पार्टिकल्स हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं जब भागते हैं तो कई बार होता है कि अन, अन गैस का थोड़ा सा पोर्शन भी रहता है उसके साथ जाके टकराते हैं जैसे ही वहां टकराते हैं फिर और हीट निकलती है पार्टिकल्स फिर आयोनाइ होते रहते हैं और वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह जाती है वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रह जाती है एंड इसी की मदद से वो जो डिस्चार्जिंग है वो मेंटेन्ड रहती है कई जगह लिखा रहता है हाउ इट इज मेंटेन्ड सो दिस इज द वे बाय विच दीज आर एक्चुअली मेंटेन्ड और कंटिन्यूअसली वो लाइट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं एंड दैट इज अ बेसिक फंडा प्लीज याद रखिएगा इस सब चीज को आई थिंक इट इज क्लियर ठीक है सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देना चलिए सर इसके एडवांटेजेस बता दीजिए देखो बच्चे लॉन्ग लाइफ होती है कॉस्टिंग जो होती है उसकी बहुत कम होती है ठीक है कैन बी यूज फॉर द नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत सारे अदर अदर जो यूजर्स होते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं ही डेसीपेशन कम होता है कैन बी डिजाइन फॉर द डिफरेंट कलर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारी आज की इंडस्ट्री में है कि नहीं है कि नहीं मेरे भाई मतलब देखो सीधी सी बात ये है ना कि एडवर्टीजमेंट यार रंगीला है ना हम लोग का देश है और रंग बिरंगी चीजें हैं पूरी चलती रहती हैं जितना आप लोग शो करोगे उतना अच्छा लगेगा सॉरी सर आई एम लेट बट प्रेजेंटली चलो वेलकम टू द सेशन बेटा डिसम्प बल्ब थोड़ी कॉस्टिंग देखा जाए तो फ्लोरेसेंट जो लैम्प होते हैं बल्ब होते हैं उनके कंपेरिजन में क्या होता है थोड़ा सा महंगा होता है थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक है पर बाकी देखो कलरिंग में तो आपको हेल्प कराना है यहाँ पे आपका जो काम होता है दे, बोलते नहीं है बड़ी बार है ना मुहावरा सुना होगा जहाँ पे सुई की जरूरत होती है ठीक है वहां पे तलवार काम नहीं कर सकती जहां पे तलवार की जरूरत है वहां पे सुई काम नहीं कर सकती बात सीधी सी ये है कि आपकी जरूरत के हिसाब से चीजें बनी है पे ठीक है है ये वाली चीज चलिए एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे स्ट्रीट लाइटिंग हो गया स्पोर्ट एरिनाज हो गया एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया जिम्नेजियम में हो गया या इंडस्ट्री जो होती है वहां पर हम लोग जनरली क्या करते हैं इनको यूज करते हैं ठीक है याद रहेगा बेसिक है बस ध्यान रखना है कैसे भी करके आप लोगों को दिमाग में बैठ जानी चाहिए ठीक है बाकी में कुछ नहीं इसमें ज्ञान ऐड कर देता हूं आरजे बाबा का ज्ञान आर यू रेडी फॉर आरजे बाबा का ज्ञान देखो इसमें मैं जो भी चीज बताता हूँ ना वो कुछ स्पेशली बताता हूं जो बाकी जगह नहीं बताई गई होंगी ऐसी चीज रहती है देखो एक्चुअली क्या होता है जैसा कि हम लोगों ने इसमें पाया जो गैसियस कोई भी हम लोग बात करें जितने भी गैसियस डिस्चार्ज लैंप होते हैं ना जितने भी गैसियस डिस्चार्ज लैंप होते हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक हमें यह देखने को मिली कि रेजिस्टेंस है ना नेगेटिवली वर्क करता है मतलब आप धीरे धीरे जैसे कंटिन्यूसली आप देखोगे धीरे धीरे रेजिस्टेंस उसका ड्रॉप होता रहता है डिस्चार्ज लैम्प हर डिस्चार्ज लैम्प की कहानी यही है कि धीरे धीरे आप लोगों को क्या मिलेगा नेगेटिव रजिस्टेंस नेगेटिव रजिस्टेंस नेगेटिव रजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है अब याद देखो ये बात अच्छी तो है नहीं क्योंकि हमको रेजिस्टेंस तो कैसे भी करके मेंटेन रखना पड़ेगा डाउन जाने नहीं देना है तो हम लोग क्या करेंगे उसके सेफ वैल्यू को मेंटेन रखेंगे सेफ वैल्यू को मेंटेन रखेंगे तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो बच्चे डाउन हो जाता है देखो सब कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताई पावर फैक्टर डाउन हो जाता है अब, अब पावर फैक्टर डाउन हो गया तो हमें यहाँ पे कुछ उसका उपाय करना पड़ेगा अरे सर उपाय कैसे किया जा सकता है हम लोग क्या करते हैं यहां पे कंडेंसर यूज करते हैं कंडेंसर इज आल्सो कनेक्टेड है ना कंडेंसर को कनेक्ट कर देते हैं टू इंप्रूव टू इंप्रूव पावर फैक्टर अब देखो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें कहां मिलेंगी तुम लोग को जानने की तो आर्जे बाबा के ज्ञान में बड़ी स्पेशल चीज मिलती है कि नहीं गैसेज डिस्चार्ज लैंप में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है जिसमें चोक और बैलिस्ट का हम लोग यूज करके उसको है कंपनसेट कर सकते हो ये इसका उपाय है पर जब भी हम लोग चौक और बैलेस्ट का यूज करते हैं तो पावर फैक्टर में ड्रॉप हो जाता है साला ये और ससुररी की प्रॉब्लम हो गई ससुर प्रॉब्लम नहीं निकल आई जैसे हम लोग पावर फैक्टर को कम हो जाता है तो बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो कंडेंसर का आप लोग यूज करके उसको आप लोग मेंटेन कर सकते हो तो ये बेसिक चीज है ना आप लोगों को जनरली देखने को मिलती है कि इसमें पूरे ऑल ओवर द डिस्चार्ज लैंप है आई थिंक इट इज क्लियर एंड दिस इज अ वेरी है ना बिग 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 है ना ठीक है वेरी बिग ठीक है अचीवमेंट होती है ये सब चीज पढ़ने की है कि नहीं मजा आएगा चलिए भाई सर विराट बैच की प्राइस क्या होगी अंडर वॉट प्राइस बेटा उसी दिन का वेट करो यार सब आज ही बता देंगे मजा कैसे आएगा आप लोगों का सरप्राइज होता है ना सरप्राइज मतलब उसी दिन पता चलेगा सबको पता चलेगा एक साथ पता चलेगा सब आप हमारे सभी बच्चे हो यार तो इसलिए हम सबको साथ में ही लेके बताएंगे पर्सनली नहीं बताएंगे नहीं तो यार देखो आज तुमको बताया कल किसी और को बुरा लग जाएगा सभी हमारे लिए फ्री हैं सबको एक साथ बताएंगे पर एक तारीख को ठीक है एक तारीख के लिए वेट करिएगा मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होगा महाजनकों का यस yes, उसके बारे में हम लोग अभी, अभी अपडेट कर देंगे उसी में लगे हुए अभी हमारे अभ्यास बैच चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हम लोग की क्लासेस है ना लगभग तीन तीन घंटे की चल रही है तीन घंटे मेरी चल जाती हैं सुबह उनकी उन लोकेसर की तीन घंटे के आसपास चल जाती हैं तो उसी में है और क्योंकि इतना सारी चीज है बहुत प्रिसाइज तरीके से पढ़ाना है बहुत सारे क्वेश्चन करना है तो थोड़ा टाइम जाता है जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज है ना मैं इतना ही बोलूंगा फ्यू डेज ने? वीक नहीं फ्यू डेज बस ठीक है सब कुछ रेडी हो रहा है हिंड टू अरे यार, एक बार बोल दिया, समझ में मतलब? समझ नहीं रहे हो ठीक है आप, आप सरप्राइज है ना ऐसे ही ओपन कर जाते हैं आपकी जो प्राइज है सिक्स नाइन नाइन नहीं है यही आपको मैं बोलूंगा बस ठीक है बाकी जो प्राइज होगी वो क्या होगी वो एक तारीख के लिए जरूर वेट करिएगा बेटा ठीक है चलिए अब हम लोग है आगे बढ़ते हैं सोडियम क्लियर है? चोक, चोक मतलब क्या होता है जैसे क्या होता है इंडक्टिव प्लस रेजिस्टेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं चोक बोलते हैं ठीक है जैसे ये इंडक्टर हो गया और ये क्या हो गया बेटा रजिस्टर हो गया तो आपका यूटिलाइजेशन लेक्चर बेस्ट है थैंक यू थैंक यू सो मच यार विजय लाकुम जी आ, कहां से हो विजय जी वैसे अब पहली आई थिंक अब मतलब मैं पहली बार आपके साथ कर रहा करूँ रिकॉर्डेड देखा होगा ना आपने बट थैंक यू सो मच फॉर अप्रीशिएशन बस मैं यही चाहूंगा जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना पीडीएफ भी दे दिया है क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना सबके पास की बुक्स हैं उससे डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ आपको फायदा होगा ठीक है बेटा चलिए अब चलते हैं बच्चे यहाँ पे कि वॉट इज अ सोडियम वेपर ठीक है लैम्प सोडियम वेपर लैम्प क्या कहलाएगा बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है फटाफट कर लेंगे पूरा कंसंट्रेशन यहां पे होना चाहिए चलिए देखते हैं सर क्या क्या बताना चाहते हैं आज सर आज चलिए देखते हैं देखिए बात वही है हर डिस्चार्ज लैम का बेसिक कंसेप्ट तो मैंने बता दिया ना भैया दो टो इलेक्ट्रोड है दो इलेक्ट्रोड में डिस्चार्जिंग होने पड़ती है और यहाँ पे जो है ना आपके आईनाइस पार्टिकल है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इस तरीके से आईनाइस पार्टिकल है ठीक है ऐसे 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 ऐसे

हम जो तार निकाल के रखे हैं वहां पे हम अलग अलग वोल्टेज कर सकते हैं जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही वोल्टेज होगा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए वोल्टेज बढ़ जाएगा सीधी सी बात अब इससे है ना हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल में लेटर सपोज के नीचे वाले का वोल्टेज नोड है उसको मैंने ए बोल दिया ऊपर वाले को नोड को मैंने बी बोल दिया दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मेंटेन कर दिया अब इससे क्या होगा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया ये रही बच्चे आपकी इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे जो फिलिंग गैसेज हैं उसमें डिस्चार्जिंग होने लगती है और ये डिस्चार्जिंग इस तरीके से होते 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 यहां पे डिफरेंट लाइट आपको प्रोड्यूस करती है क्या करती है डिफरेंट लाइट आपको प्रोड्यूस करती है अच्छा कई बार एग्जाम में पूछा जाती है पूछा जाता है कि ये ग्लास ट्यूब कैसी होती है सर यू शेप की ट्यूब होती है यू शेप की ट्यूब होती है ये याद रखना कैसी होती है ग्लास ट्यूब यू शेप की ट्यूब होती है sodium vapor lamp में यू शेप की ट्यूब होती है अच्छा सर अच्छा सर इस यू शेप के ट्यूब में क्या भरा रहता है इस यू शेप की ट्यूब में हम लोग नियोन गैस को फिलअप करते हैं साथ ही साथ जैसे मान लो कि कुछ पकाते हो खाना पकाते हो तो उसके ऊपर तुम लोग क्या कर देते हो नमकीन डाल देते हो कई बार नमक डाल देते हो करते हो कि नहीं करते तो नियॉन गैस के साथ हम सोडियम का ग्लोब्यूल्स को यूज करते हैं सोडियम ग्लोब्यूल्स यूज करते हैं सोडियम का ग्लोब्यूल्स यूज करते हैं ठीक है ये कॉम्बिनेशन होता है तो नियोन गैस के साथ हम सोडियम नहीं तो नहीं तो नहीं तो के ग्लोब्यूल्स यूज करते हैं उसी से हमारा ये ये हमारी चीज देखने को मिलती आई थिंक इट इज क्लियर डन है नेक्स्ट है हम लोग यहां पे डबल वॉल्ड फ्लास्क को यूज करते हैं सर डबल वॉल्ड फ्लास्क को क्यों यूज करते हैं इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हाई हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वो क्या करे झेल सके हैव यू गॉट दिस चलिए नेक्स्ट ठीक है ये हो गया डायग्राम का कुछ इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ और दिक्कत होगी आगे मैं बढ़ता हूं ठीक है नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखिए जिसमें होता क्या है प्रोसेस क्या है स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो स्टार्टिंग में पहले गैस ना डिस्चार्ज 10 से 15 मिनट लगते हैं। मतलब जब तक सोडियम देखो हमने इलेक्ट्रिसिटी चालू करी इस इलेक्ट्रिसिटी को जैसे चालू किया यहां पे सोडियम और नियोन का मिक्सचर है तो नियोन जो है वो डिस्चार्ज तब तक नहीं बनाएगा जब तक क्या हो जाएगा सोडियम गैस पूरा वेपराइज ना हो जाए द सोडियम गैस वेपराइज जैसे ही वेपराइज हो गया वैसे नियोन गैस अपना डिस्चार्ज करना स्टार्ट स्टार्ट करेगा मतलब प्रोसेस को होने में लगभग से मिनट लगे नेक्स्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां पर जब भी ये जो प्रोसेस स्टार्ट होती है ना तो स्टार्टिंग में तो वो पिंक कलर देता है जैसे यहां पे दे रहा है देखिए दिस इज अ पिंक कलर दिस इज अ पिंक कलर स्टार्टिंग में एट द स्टार्टिंग ये क्या प्रोवाइड करता है इट इज गिविंग द पिंक कलर पिंक और रेड का मिक्सचर देता है पिंक कलर और जैसे ही प्रॉपरली पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है एज द पूरा सोडियम वेपराइज हो जाता है तो वैसे ही ये क्या करता है टर्न टू येलो पूरा का पूरा किस में हो जाता है येलो कलर में आपका ठीक है बन जाता है क्या समझ में आया तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट हुई जैसे धीरे धीरे सोडियम है ना सोडियम धीरे 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 सोडियम वेपराइज हो रहा है उस समय पे जो नियॉन जो कलर वहां पे आपको दिखाएगा वो पिंक इस कलर दिखाएगा और जैसे ही आपका क्या हो जाएगा पूरी सोडियम वेपर डिस्चार्ज हो जाएगी या वेपराइज हो जाएगी वैसे ही पूरी फुल कैपेसिटी पे नियोन गैस अपनी डिस्चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा और उसी से ही आपको येलो कलर देखने को मिलता है आई थिंक इट इज क्लियर बोलिए सबको क्लियर है डन है किसी को दिक्कत नहीं ठीक है कंटेंट देख के लग रहा है कितनी मेहनत अरे मेहनत तो सही में बहुत है बहुत है मैं लिटरली बोल भी नहीं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता ठीक है बस आप लोग है ना जरूर वैल्यू दीजिएगा लोगों तक पहुंचाइएगा ठीक है क्योंकि आप यूट्यूब पे छान मारेंगे ना लेक्चर देखिएगा इन सबके आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब और आप है मेरे लेक्चर फिर आके कंपेयर करिएगा आपको लगेगा ये साला चल क्या रहा है मतलब तो कई होती हैं कई चीजें जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते बस आप लोगों के प्यार से ही ये लोगों तक पहुंचेगा सीधी सी बात है और मुझे विश्वास आप लोग साथ जरूर चलिए अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या हो गया है, एवरेज लाइफ जो है सोडियम वेपर की सो होती है। होती है बच्चों, सो होती है। याद रखना इस चीज को कितना होता है 2500 घंटे होती है नेक्स्ट है एप्लीकेशन जो है येलो लाइट जो हम लोग जनरली यूज करते हैं बच्चे वो हैं जैसे आपकी स्ट्रीट लाइटनिंग में हो गई फ्लड लाइटनिंग डॉक्स में हो गया अनक ठीक है क्वेरीज में हो गया वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं इसको यूज करते हैं येलो लाइट की जहां पे जरूरत पड़ती है एंड व्हिच इज डन बाय द सोडियम वेपर लैंप क्लियर है चलिए नेक्स्ट यदि हम लोग सप्लाई की बात करते हैं बच्चे सप्लाई की बात करते हैं तो इनिशियली जो सप्लाई नॉर्मल कंडीशन पे दी जाती है वो 165 वोल्टेज की दी जाती है फिर जैसे जैसे हम लोग और हीट प्रोवाइड करते हैं और पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और डिस्चार्ज बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसमें 410 सौ वोल्टेज तक की सप्लाई दी जाती है तो ये हो गया बच्चे नॉर्मल केस के अंदर हमको ये वोल्टेज हम लोग को मिलेगा और 410 सो वोल्टेज हमको ये बिल्कुल हाई हाई वैल्यू पर हाई पोजिशन पे देखने को मिलेगा हैव यू गॉट दिस मजा आया कि नहीं आया कभी सोचा कि सोडियम पेपर मैं दिल से बोल रहा हूं बहुत मजा आ गया आज मेरे खुद है ना इस पर है ना बहुत ठीक है पहले का जो कंटेंट था उसमें भी बड़े चेंज कर दिए मैंने इसमें एंड मैं कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूं यार ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इससे एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूं यार ठीक है और किसी का और क्या चाहिए क्रिकेट ग्राउंड में ठीक है समझ गए तो देखो यहां से कुछ चीजें हमको क्लियर हो गई चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप में ट्यूब कैसी होती है यू शेप की ट्यूब होती है सेकेंड यहां पे हम लोग टैपिंग की मदद से डिफरेंट पोटेंशियल को मेंटेन रखते हैं तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि भैया इनिशियली कौन सा कलर होता है पिंक कलर बाद में कौन सा कलर होता है सर येलो कलर चौथा यू शेप की ट्यूब में ठीक है कौन सी आपकी गैस फिल करते हो सर नियोन गैस में हम लोग सोडियम की ऐसे जैसे नमक छिड़कते हो सोडियम के ग्लोब्यूल्स को हम लोग उसमें डाल देते हैं ठीक है चौथा क्वेश्चन बन गया समझ रहे हो पांचवा क्वेश्चन हीट कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए या लाइट को मेंटेन करने के लिए डबल वॉल्ड फ्लास्क का यूज किया जाता है तो पांच तो ऐसे क्वेश्चन बन गए जिसकी आपको मतलब कभी इसके अलावा आपको मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन ये बनेगा छठवा क्वेश्चन ये बनेगा छठवा क्वेश्चन कि भैया कितना समय लगता है जनरली है सोडियम वेपर को डिस्चार्ज होने में या सोडियम सोडियम वेपर लैंप को स्टार्ट होने में प्रॉपरली प्रॉपरली फुल कैपेसिटी पर चलने के लिए ठीक है दस से पंद्रह मिनट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कितने घंटे की कैपेसिटी होती है पच्चीस की घंटे की है ना ठीक है कैपेसिटी होती है कहां पे यूज किया था सातवां क्वेश्चन सॉरी आठवां क्वेश्चन पांच और तीन आठवां क्वेश्चन स्ट्रीट लाइटिंग फ्लड लाइटिंग ठीक है इन सब में यूज किया जाता है आई थिंक इट इज क्लियर आठ क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से करा दिए हैं अब एक मिनट फोन अपने आप स्क्रीन बंद हो गए एक मिनट पता नहीं कुछ है ना वो आते हैं ना भाई सभी बच्चे लाइक और शेयर तो कर दो यार लाइक और शेयर नहीं किया ठीक है इत, क्या मतलब निकलेगा इस इस सेशन का मतलब क्या निकलेगा स्वाद अनुसार सोडियम यस स्वाद अनु... हाँ यार ये भी बढ़िया चीज है अब नेक्स्ट लेक्चर कभी लूंगा ना यही वाला डायलॉग पे लूंगा मैं ठीक है भाई इत, सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दो यार सेशन अच्छा चल रहा है आप लोगों को आई थिंक मजा भी आ रहा होगा कहीं पे भी ऐसा फील हो रहा है कि यार बिल दिल खुश हो गया लाइक like और शेयर में बिल्कुल बिल्कुल कमी मत रखो सर आप तो क्वेश्चन ही बना देते हैं अनबिलीवेबल थैंक यू सो मच और देखो इससे फायदा हो रहा है कि नहीं होगा अच्छा ये बताओ जिस तरीके से ये क्वेश्चन का हम लोग डील करते हैं किसी टॉपिक से लगभग सात से आठ क्वेश्चन उसका पोस्टमार्टम कर देता हूं फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा और टॉपिक को समझने में हेल्प हो रही कि नहीं हो रही सच्ची सच्ची बताओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेलकम 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 हमको लगा कहाँ गया क्या हो गया डबल फ्लास्क प्रिवेंट द हीट लॉस यस मतलब ठीक है वेरी नाइस थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यार पहले आईफोन दो तब लाइक और शेयर करेंगे भैया मेरे पास होगा तो मैं दे देता हूँ <laughs> तुम्हारे लिए जान हाजिर कर दें पर बात ये है ना ठीक है कि जान हाजिर कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं यार समझ रहे हो ना सबका ठीक हो सबको पढ़ाना है है कि नहीं और रही आईफोन तो मेरे पास खुद नहीं है मैं तेरे को क्या दूंगा चलिए भाई चलो भाई सभी बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए दिल से और फिर शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्जन अब आते हैं आरजे बाबा का ज्ञान आर यू रेडी फॉर द आरजे बाबा का ज्ञान भाई साहब एक बार है ना फुल कैपेसिटी के साथ आप एनर्जी दिखा दीजिए जैसे सोडियम वेपर लैंप है ना दस से पंद्रह मिनट लगाए थे ना आपको उतना समय नहीं लगाना है आप आरजे सर के साथ बैठे हो लगभग एक मिनट के अंदर पूरा चार्ज हो जाना है ठीक है एक घंटे मिनट के अंदर एक घंटा नहीं एक मिनट के अंदर पूरा पूरा हो जाना है चलिए आरजे बाबा के ज्ञान का पहला पॉइंट ठीक है पहला पॉइंट ठीक ठीक है। है। मतलब पीला कलर। से मिनट जनरली हम मान के चलेंगे। तीसरा, टल पोजिशन में रखा जाता है अदरवाइज सोडियम ड्रॉप में कम टू बॉटम ऑफ द ट्यूब जो सोडियम है ना वो ट्यूब के बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा और प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज सॉरी वेपराइज नहीं हो पाएगा ठीक है चौथा डेकोरेशन पर्पजेस में मैं बोला था ना अलग अलग रंग बिरंगी लाइट की जरूरत पड़ती है तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं डेकोरेशन पर्पज पर्पज में में यूज करते में यूज करते करते हैं हैं स्ट्रीट लाइटनिंग के और सबसे इंपॉर्टेंट खास हाई एफिशिएंट होता है तीन से चार गुना हम लोग फिलामेंट लैंप के कंपैरिजन में उसकी औकात से ज्यादा तीन से चार गुना औकात से ज्यादा हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करा सकते हैं ठीक है मजा आया ना तो लाइक कर देना नहीं आया तो कोई नहीं ठीक है नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं पर मजा आया ना तो लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना दोस्तों में ठीक है चलिए भाई आरजे बाबा का ज्ञान में ये पांच चीजें मैंने और एड कर दी तो लगभग दो से तीन क्वेश्चन और मिल गए लगभग दस क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिए सोडियम पेपर लैम से अब एग्जामिनर के पिताजी क्या घंटा बनाएंगे क्या रात को बैठ के तुम्हारे तुम्हारी कि नया क्वेश्चन बनाए कहां से बनाएगा अरे यही क्वेश्चन बनता है रे बाबा तुमको समझने की देरी है कि नहीं सर मैं एग्जाम में है मेरा ऐसे ऑल द वेरी बेस्ट बेटा ऑल द वेरी कल है ना आप लोगों का मेन्स एग्जाम है सही बात गगन पास पैसा ही पैसा होगा <laughs> सही बात चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हाई प्रेशर मर्क्यूरी मर्क्यूरी के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा ये मर्क्यूरी है ना बहुत ही खतरनाक चीज है बहुत ही खतरनाक चीज इसकी इतना वर्सेटाइल है ना जिसकी बोली नहीं सकते वर्सेटाइल नेचर है ठीक है वर्सेटाइल नेचर है खतरनाक है देखते नहीं कई लोग क्या करते हैं कई लोग देखोगे ना जनरली जैसे रविंद्र जडेजा जी थे ठीक है, थे नहीं, मतलब है। <laughs> तो बॉलिंग भी बढ़िया कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं फील्डिंग भी बढ़िया कर लेते हैं बोलते हैं ना वर्सेटाइल है यार ये तो खतरनाक आदमी है वैसे ही मर्क्यूरी है ना बहुत वर्सेटाइल है सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी भी ऑप्टेन करता है मर्क्यूरी की ठीक है प्रेशर टेम्परेचर से रिलेटेड लार्ज वेरिएशन पॉसिबल है एंड बिकॉज ऑफ दिस हम यहां पे मरकुरी को यूज कर रहे हैं बाकी जो प्रिंसिपल है कुछ अलग चीज नहीं है मेरे भाई वही जो बेसिक डिस्चार्ज में तुम लोग को मैंने यहां पे बताया ना ये जो बक बकाया मैंने इतनी देर से वही है कुछ अलग नहीं है भाई ठीक है वही है वही है जो मैंने बताया अब आगे बढ़ते हैं इसमें ये जो डायग्राम तुमको बिल्कुल बढ़िया मस्त तरीके का डायग्राम दिख रहा है इसमें भी हम लोग अब चलते हैं ठीक है चलिए इस डायग्राम को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं देखो भाई ये है यहाँ से चूड़ी बनी हुई है जो जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं ना ऐसे चूड़ी बनी होती है जैसे किसी ढक्कन बंद करते हैं गोल गोल करके ठीक है ना वो चूड़ी बोलते हैं ना उसको वही थ्रेड है ये ठीक नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों को दो इलेक्ट्रोड देखने को मिलती है ये जो इलेक्ट्रोड कहलाती है एक ये इलेक्ट्रोड हो गई जिसपे मैं थोड़ा सा इस तरीके का मार्किंग कर देता हूँ ध्यान से देखना गौर करके देखिएगा भाई ये रेड कलर की मार्किंग है ना ये रेड कलर की ये टी शेप की जो बनी हुई ये दिख रही है टी शेप की किस किस को दिख गया कोई को, कोई ऐसा है कि भैया लाल पीला नीला गुलाबी सब एक है दिखता है नहीं दिखता ना फिर ठीक है तो ये जो है ना उसको बोलते हैं मेन इलेक्ट्रोड इसको क्या बोलते हैं बच्चे मेन इलेक्ट्रोड बोलते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड द मेन इलेक्ट्रोड आई थिंक इट इज क्लियर दिस इज कॉल्ड द मेन इलेक्ट्रोड कहलाएगा ओके फिर बगल में एक होता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड ऐसे नहीं बोलते है, है? तुम्हारे दोस्त है तो ठीक है एक मेन पिक्चर में देखते हो ना एक मेन हीरो होता है तो उसके बगल में एक उसका क्या होता है सहभागी दोस्त होता है जो वही है ना सब करता है एक मूवी आई थी आ, कौन सी आ, हुआ मैं करके मूवी थी उसमें देखे नहीं कि साले यूपीएससी का ना पेपर होकर रखा कि इतने साल से तुम्हारे क्लियर नहीं हो रहा वही वाला जो डायलॉग मारा था है कि नहीं ये है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड अब जैसे जनरली तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे दोस्त होते हैं वो तुम्हारी नैया पहले डुबोते हैं जैसे मेरा एक दोस्त था वो मेरी नैया ने सबसे पहले डुबोया कैसे कि जैसे मैं एक जा रहा था तो सामने से एक लड़की निकली खूबसूरत कन्या थी वो सामने से ऐसे देख क्यों निकल गई और ऐसा कुछ नहीं था वो मुझे ही देख रही थी बहुत सारे लोगों ने देखा पर मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया वो तुम्हें देख रही है इस चुतियापे के चक्कर में ठीक है मैंने कॉन्फिडेंस भर लिया अरे वाह ठीक है मैं ही हूँ रणबीर कपूर मैं ही हूँ सब कुछ है कि नहीं उस चक्कर में बात करने चला गया बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि भैया ये जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है ना वही काम करता है वही ट्रिगर करता है पढ़ लो ना भाई ठीक है समझे तो ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड मेरे भाई क्या करेगा वो इनिशिएशन का काम करता है ठीक है एट द सीरियस नोट प्लीज है इधर कंसंट्रेट करिएगा ये क्या करता है इनिशिएशन का, का काम करता है इनिशिएशन का हल्की सी चिंगारी करता है जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो ठीक है तुमको अंदर से है ना चिंगारी देने धगो मतलब है ना उठाने की कोशिश करता हूं बेटा पढ़ लो और तुम लोग मोटिवेटेड हो जाते हो वाह सर आज तो पूरा पढ़ लेगा तुम्हारा भाई कहने का मतलब है ये है 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 यह चिंगारी चिंगारी हल्की सी चिंगारी दे देता है। देता सुलगा और फिर उसके बाद जो मेन इलेक्ट्रोड वो अपना काम कर लेगा जैसे हनुमान जी के अंदर इतनी शक्तियां थी पर जामवंत ने क्या बोला कि तुम हो कर सकते हो जो सूरज को खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है तू करके तो देख और फिर कई अरे हाँ यार बातों से ही मैं भूल चुका था फिर हनुमान जी पूरी क्या है लंका तक पहुंच गए एक छलांग में मार के बात कहने की ये मतलब है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है ऑक्सिलरी जस्ट जस्ट इट इज इज इनिशिएशन इनिशिएशन ऑफ ऑफ द द आर्क आर्क दिस अ बाकी मेन जो फंडा संभालेगा वो मेन इलेक्ट्रोड संभालने वाला है यहां तक सबको समझ में आए और फिर यहां पे जो इलेक्ट्रोड है ना डिस्चार्ज है ना इस तरीके से डिस्चार्जिंग होती रहती है और यहां से आपको हल्का ब्लूइश कलर की लाइट आपको देखने को मिलती है मजा आया समझने में कंसेप्ट वैसे सर रणवीर कपूर जैसे ही लगते हो अच्छा थैंक यू सो मच वाह यार आज दिल खुश तो है एक लीटर तो खून है ना मेरा बढ़ गया भाई चलिए <laughs> समझे में आया कि नहीं आया क्लियर हुई कि नहीं हुई चीजें क्लियर हुई जो मैंने बताया अब कभी नहीं भूलेगा अब कभी नहीं भूलेगा तुमको मैं इतनी गारंटी देके बोल रहा हूं अब कभी नहीं भूलेगा भाई मैं बोल रहा हूं सोडियम वेपर लैब को पूरे यूट्यूब में इस तरीके से कोई पढ़ा दी ना तो मेरे सामने रख देना भाई इतना अच्छा कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को लेके बोल रहा हूँ ठीक है बड़ी मेहनत है इस लेक्चर में ठीक है जरूर साथ दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिए मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग हैं ना लाइक और शेयर करके रखें ठीक है आज सर हीरो हैं अरे यार थैंक यू सो मच समझ में आया क्लियर है चलिए अब इस एक चीज देखिए यहां पे जो है ना ये ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड इसमें हम लोग लिमिटिंग रजिस्टर यूज करते हैं लिमिटिंग रजिस्टर किसके लिए यूज किया जाता है कि वो जो करंट है ना उस करंट को हम लोग कई बार होता है कि ज्यादा हो जाता है तो उसको हमको लिमिट करना है एक एक वर्जन में लिमिटेड रेंज में लाके रखना है नेक्स्ट चीज यहां पे दो टाइप की ट्यूब आपको देखने को मिलेंगे देर आर द टू टाइप्स ऑफ द ट्यूब्स ठीक है देर आर द टू ट्यूब्स हम लोग को इसके अंदर कितनी ट्यूब देखने को मिलेंगी दो ट्यूब देखने को मिलेंगे कितनी ट्यूब देखने को मिलेंगी दो ट्यूब देखने को मिलेंगे सब कुछ कंस्ट्रक्शन सब कुछ बेसिक फंडामेंटल सब कुछ सेम है जैसा सोडियम वेपर लैंप के अंदर था बट द फंडामेंटल इज दैट दिक्कत कहां पे है कि दो टाइप की ट्यूब देखने को मिलेंगी। एक ट्यूब जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे इनर ट्यूब बोलेंगे। जैसे अंदर बनियान पहनते हो ना भाई कच्छा तो पहनते हो तो ना एक हो गया इनर ट्यूब वैसे ही है ये इनर ट्यूब उस इनर ट्यूब को हम लोग किससे बना सकते हैं बेटा या तो ग्लास से बना सकते हैं या हम लोग किससे बना सकते हैं कॉड से बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा और उसी में ही इट इज कनेक्टेड विद इट इज कनेक्टेड विद इट इज कनेक्टेड विद टू मेन इलेक्ट्रोड इट इज कनेक्टेड विद द टू मेन इलेक्ट्रोड है लखम जी मैं गुजरात से ओके ओके बहुत बढ़िया ठीक है अदानी के शहर से हाँ बिल्कुल सही बात बोला ठीक है कनेक्टेड विद द टू मेन इलेक्ट्रोड दो मेन इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है तो मेन इलेक्ट्रोड कहां पे होते हैं इनर ट्यूब के अंदर दो मेन मेन इलेक्ट्रोड होते हैं अच्छा ठीक पहली चीज सेकंड दिमाग में क्वेश्चन आएगा उस ट्यूब को हम भरते किससे हैं ये जो ग्लास और कॉड से बना हुआ है इस ट्यूब को हम फिल किससे करते हैं उसको हम लोग जनरली किससे फिलअप करते हैं या तो आर्गन से फिल करते हैं या फिर हम मर्क्यूरी से फिल करते हैं बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है या तो हम आर्गन से फिल करेंगे या तो हम मर्क्यूरी से फिल करेंगे एंड प्लीज लुक एट हियर ठीक है ध्यान से देखिएगा गौर से देखिएगा भाई ठीक है बहुत ही पेशकश होने वाले बीच में येलो कलर का दिख रहा है ये पोर्शन इस तरीके का क्लियर है येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है मेरे बच्चे वही है आपका है ना जो क्या बोल रहे हैं मेन ट्यूब बोल रहे हैं जिसको अब चलते हैं बच्चे दूसरी ट्यूब क्या है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ट्यूब इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ट्यूब बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द आउटर ट्यूब इस आउटर ट्यूब को हम लोग नाइट्रोजन गैस से भरते हैं किससे भरते हैं नाइट्रोजन गैस से भरते हैं दो ट्यूब दोनों में अलग अलग चीज भरी है पहली वाली ट्यूब और मर्फी भरी है यहां पर दिखाया है देखिए बच्चों दो मेन इलेक्ट्रोड है ट्यूब के अंदर, अंदर यह पूरा कनेक्शन किया जाता है दिस इज मेन कनेक्शन जो भी आपको देखने को मिल रहा है ठीक है बाकी सब वही है बेसिक है बाकी और कुछ नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आउटर ट्यूब हो गया अब ये सर ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आगे बढ़े प्रोसेस कैसे हाउ द प्रोसेस स्टार्ट हाउ द प्रोसेस वर्क किसी को जानना है कैसे प्रोसेस काम करती है चलिए शुरू करें कैसे प्रोसेस काम करती है चलिए देखते हैं देखिए भाई होता क्या है आपका जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यह दो मेन इलेक्ट्रोड दिए गए दिज आर टू मेन इलेक्ट्रोड दिज आर दू मेन इलेक्ट्रोड ठीक है अब इस मेन इलेक्ट्रोड और इस ऑक्सिलरी यहां पे इलेक्ट्रोड दिया है दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड एंड दिस इज कॉल्ड द मेन इलेक्ट्रोड सबको समझ में आया दिस इज कॉल्ड द मेन इलेक्ट्रोड अब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना बच्चे वो गैप जो है हम लोग बहुत है ना कम रखते हैं ध्यान से देखिएगा ये जो गैप है इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हम लोग क्या करते हैं बहुत कम रखते हैं प्लीज लुक एट हियर ये देखिए ये 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 दिख रहा है ये जो गैप है आप लोग देखिएगा इसका गैप जो है वो बहुत कम रखते हैं सर ये गैप है ना आप लोग कम क्यों रखते हैं सर ये गैप है ना वाई वी आर मेकिंग वेरी लो गैप इसलिए गैप कम रखते हैं क्योंकि यहां पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा ना ठीक है यहां पे क्या मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट सर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और आर्क बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो स्टार्टिंग में तुम लोग नहीं करते जैसे बड़ी आग लगानी हो तो छोटी सी है ना चिंगारी मार देते हो जैसे आदि मानव क्या करते थे ठीक है पत्थर को दो टकराते थे है ना वो मानव पत्थर से टकराते थे और तुम लोग शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम है तुम लोग ये करने लगे कहने का मतलब आदि मानव क्या करते? दो पत्थर टकराते उससे चिंगारी निकलती थी और एक बड़ी आग आग बन के निकलती थी आया ना मजा आया समझने में मजा आया समझने में तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका ज्यादा हो जाता है तो ये जो गैप है ना बच्चे वो हम लोग लो रखते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिकॉज ऑफ दिस द पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है बिकम्स हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो आर्क विल बी प्रोड्यूस्ड आर्क आपका क्या हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है इज इट ओके और जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होता है है ना जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होता है तो धीरे धीरे करके वहां पे हीट पैदा करने लगता है इस इस ट्यूब के अंदर इनर ट्यूब के अंदर हीट पैदा करने लगता है और यहां पे आप लोगों को इस बढ़ती हुई हीट के कारण इस बढ़ती हुई हीट के कारण जैसे नहीं करते हैं किसी देश में दंगा कराना हो तो कुछ भी है ना आलतू जाए ठीक है तो छोटी सी वो है ना आलतू में इतनी बड़ी चीज बन जाती है कही आग का है ना क्या बोल सकते हो बहुत बड़ी है ना बहुत बड़ी चीज बन जाती है जो बहुत गली गलत चीज है छोटी सी बात बोल दी गई देश के अंदर और देश में पूरे में लड़ाई हो जाती है तो वो जो छोटी सी चिंगारियां तो हाई हीट धीरे धीरे हीट पैदा करती जाती है और इस हीटेड के कारण आपको डिस्चार्जिंग ऑपरेशन देखने को मिलता है और उसके कारण आपका कलर देखने को मिलता है दिस इज द ओनली इसके अलावा बेटा कोई भी और प्रोसेस नहीं है मैं इतना गारंटी दे देता हूं ठीक है और कुछ ध्यान नहीं रखना है यहां से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं तो चलिए हम समझते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो गैस भरते हैं वो कितने प्रेशर पे हाई लो लो प्रेशर पे सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कितनी ट्यूब है तो सर दो टाइप की ट्यूब होती है एक इनर ट्यूब और एक आपती आउटर ट्यूब तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अंदर वाली ट्यूब के अंदर कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं सर मेन इलेक्ट्रोड होते हैं चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है अंदर वाली ट्यूब के अंदर हम कौन सा यहां पे क्या करते हैं गैसेज फिलअप करते हैं तो आर्गन एंड मर्क्यूरी फिलअप करते हैं पांचवा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है फिफ्थ क्वेश्चन ये बन सकता है कि आउटर वाली ट्यूब के अंदर हम कौन सा ठीक है गैस यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस को हम लोग फिलअप करते हैं छठवां क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि हम ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को क्यों यूज करते हैं चिंगारी को इनिशिएट कराने के लिए सातवां क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि जब चिंगारी इनिशिएट कर जाती है तो व्हाट इज द प्रोसेस वो हो जाएगा सातवां आठवां क्वेश्चन यह बन सकता है कि जो हम लोग इनर वाली ट्यूब यूज करते हैं तो वो किसका बना होता है ग्लास और कॉर्ड्स का बना होता है हो गया काम खत्म ठीक डेथ सेट अब चलते हैं आरजे बाबा के ज्ञान में हो गया खत्म समाप्त ठीक है चलिए भाई पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हाई इंटेंसिटी होता है ठीक है डिस्चार्ज लैंप होता है Second है लैंप में डेफिसिट डेफिसिट इन द रेड लाइट रेड लाइट की कमी होती है रेड लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलती ठीक है इट एम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन इज ब्लू पर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होगा जे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा तो यदि उसमें ब्लू ग्रीन कलर नहीं दिया है तो आपको परफेक्टली ब्लू इस कलर पे टिक मारना है और 100 आरजे सर की तरफ से बोल रहा हूं सही मिलेगा लाइक और शेयर कर दो इस बात पे नेक्स्ट है इट द कलर नेक्स्ट है uh, है है जो एफिशिएंसी होती होती वो 40 ल्यूमेन पर और जो इसकी जो क्या बोलते हैं एवरेज लाइफ होती चौबीस हजार घंटे होते हैं एप्लीकेशन के लिए देखोगे तो आपकी स्ट्रीट लाइटिंग में स्टेज लाइटिंग में स्पोर्ट्स लाइटिंग में पेट्रोल स्टेशन लाइटनिंग में ठीक है इन सब में आपको देखने को मिलता है ठीक है, बेसिक्स so, आप कह सकते हो कि आपका क्या होता है ठीक है और क्वेश्चन आपको मैंने यहां से करा यदि यदि मैं मैं बात करूं, तो sodium vapor lamp लो प्रेशर पे मैं करता हूं, तो पे करता 101 175 पे आपको ल्यूमेन पर वॉट आ गया सोडियम वेपर लैंप यदि हाई प्रेशर वाला यूज करता हूं तो ये ल्यूमेन पर वॉट की 67 से 121 ट्वेंटी वन ल्यूमेन पर वॉट तक होगा मर्क वेपर लैंप में 30 से लेके 40 ल्यूमेन पर वॉट होगा लैंप में 50 से 60 ल्यूबन पर वॉट होगा इनके में 8 -40 पर वाट हो ये आपके दिमाग में छिप जाना चाहिए। ठीक है तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं कि आप लोगों को बड़ा मजा आया हर एक चीज और बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी शिद्दत से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हूं अभ्यास बैच से जुड़ना चाहो तो भाई जोड़ सकते हो बहुत मजे से चल रहा है विराट बैच फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हो एक तारीख का वेट करिए आपको अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन कर दिए नहीं अच्छा लगे तो प्यार से बस है ना लव यू सर बोल के निकल जाना मजा आ जाएगा हमको ठीक है बाकी ये रहा आज का लेक्चर बच्चों बाकी आप लोग आप गुरु जी यू आर बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप लोग भी बच्चे बेस्ट हो क्योंकि जितना प्यार आप लोगों ने दिखाया उतना हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था किसी से बट इतना अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके कम भी रहते हैं तब भी पूरी एनर्जी के साथ आवाज की कभी कम ही नहीं होने देता ठीक है और उसी के साथ आगे बढ़ूंगा मंडे से लोके सर भी आपके सामने दिखेंगे इतनी गारंटी मैं बोल रहा हूं ठीक है और कुछ अलग वे में आएंगे कुछ अलग एनर्जी के साथ आने वाले हैं। पर साथ जरूर दीजिएगा ठीक है सो थैंक यू सो मच बच्चों लाइक like और शेयर करिएगा बहुत अच्छा है बाकी एक तारीख को विराट बैच हमारा लॉन्च होगा विराट विराट चीजें होंगी उसमें एंड डेफिनेटली आपको मजा आएगा थैंक यू सो मच बच्चों लव यू ऑल अच्छे से पढ़िए खाना वाना खा लीजिए स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए यार है ना